नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिड्यूस्ड फॉर्म फॉर सेकंड एंड कोसेकेंड फंक्शंस ऑफ द nth डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन होता है सेक का या फिर कोसेक का, उसकी जो पावर में n होगा और उसका जो है इंटीग्रेशन करेंगे अपन दो तरह से, डेफिनिट या इनडेफिनिट। तो अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो उसका इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, जिसमें आपकी कोई लिमिट नहीं होती है, एक फंक्शन आता है उसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले हमारे और भी वीडियो आ चुके हैं इस सीरीज में, जिसमें हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज में। और इसके पहले हमने साइन कोसाइन और फिर आपका टेंजेंट या फिर कोटेंजेंट जो होता है आपका, उसके nth पावर के का जो इंटीग्रेशन होता है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म हमने बता रखा है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सेकेंड और कोसेकेंड फंक्शन होता है उसकी जो nth डिग्री की जो पावर होती है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये है हमारा चैनल एग्जाम सभा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका दो फंक्शन यहाँ पे है, पहला है sec की पावर nx dx, दूसरा है आपका cosec की पावर nx dx। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और ये दोनों है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसा कि अगर आपने हमारे tan और cot वाले वीडियोज को देख रखा है जिनकी पावर में n था और उनका इंटीग्रेशन किया गया था, तो ये भी सेम ही है। इसमें करना क्या है कि पहले आप जो sec की पावर nx dx है उसको in मान लोगे, और फिर क्या करेंगे अपन जो sec की पावर nx है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, पहली पावर में आपका n माइनस टू आएगा, दूसरी पावर में आपका 2 आएगा। तो आपका sec की पावर n माइनस टू एक्स इंटू sec स्क्वायर x जो है आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब अपन बाई पार्ट इसमें लगा देंगे। बाई पार्ट क्या होता है, जिसमें आपका दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसको देख सकते हो कहीं और पे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका इंटीग्रल बाई पार्ट के द्वारा। तो करेंगे क्या अपन, इसमें जो sec की पावर n माइनस टू एक्स है इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और sec स्क्वायर x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। और फिर इसमें बाई पार्ट लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो बाई पार्ट में ऐसा होता है कि जो आपका पहला फंक्शन है उसको एज इट इज लिखते हैं, दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 10x। तो इस तरह से आपका ये पहला टर्म हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अपन माइनस साइन को लिखते हैं और फिर इंटीग्रेशन करते हैं पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का इंटू दूसरे वाले फंक्शन के इंटीग्रेशन, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो है अपन इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर आप sec की पावर n माइनस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा n माइनस टू sec की पावर n माइनस थ्री एक्स, और फिर आपका जो हो जाएगा sec x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा sec x इंटू टेन एक्स। तो ये आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन हो गया इस फंक्शन का, पहले वाले फंक्शन का। और अगर आप sec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा टेन एक्स। तो आपका दोनों आ गया, पहला आपका डिफरेंशिएशन आ गया, दूसरा आपका इंटीग्रेशन आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको एक होल फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन का आप फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो इस तरह से आपका जो है बाई पार्ट लग जाएगा। बाई पार्ट के बारे में अगर आपको अलग से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी जल्दी में बताया है। अगर आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद बाई पार्ट लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, इसको एवरेज लिखना है। n माइनस टू आपका जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर आपका ये n माइनस थ्री और वन पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपका sec की पावर n माइनस टू x आ जाएगा और टेन स्क्वायर x का जो है आपका मल्टीप्लाई करने पे आएगा। और फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो इसको एवरेज लिख लेंगे, और इस वाले फंक्शन में अपन टेन स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस वन लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो आपका sec की पावर n माइनस टू x है इसको जब आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके खोलोगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन sec की पावर nx dx मिलेगा। और अगर आप ऊपर देखोगे तो इसकी वैल्यू है in, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा n माइनस टू आई एन। और फिर आपका जो अगर आप वन से मल्टीप्लाई करने वाले हो तो उस टाइम क्या होगा, आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n माइनस टू इंटू
सेट की पावर एन माइनस टू एक्स आएगा, तो उसको आप लोग जो है आई एन माइनस टू लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब करना क्या है कि इसमें जो आई एन यहाँ पे और आई एन यहाँ पे है, इस वाले आई एन को उधर ले जाना है और ऐड कर देना है, तो वन और प्लस एन माइनस टू यानी कि एन माइनस वन हो जाएगा आपका इंटू आई एन। और ये वाला जो है आप उसी तरह से एज इट इज लिख दोगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो एन माइनस वन है उसे डिवाइड कर देंगे हर तरफ, तो आपका एक्सप्रेशन फाइनल ये वाला आ जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये याद रख लोगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो तो आपको ये याद रखना है कि जो इंटीग्रेशन होता है उसमें जो है दो पावर रिड्यूस करके बाई पार्ट लगाते हैं। तो ये था आपका सेक का। अब बात करेंगे हम लोग कॉसेक फंक्शन के बारे में। तो कॉसेक के बारे में भी बिल्कुल सेम ही है। इसमें क्या करना क्या है आपको, एन माइनस टू और टू इस तरह से आपको लिख देना है मल्टीप्लाई करके पावर में। उसके बाद आपको जो है बाई पार्ट लगाना है। बाई पार्ट लगाते समय इसको पहला फंक्शन मानोगे, इसको दूसरा। बाई पार्ट लगाने पे आपको कॉसेक स्क्वायर कॉसेक की पावर एन माइनस टू एक्स माइनस कॉट एक्स मिलेगा। और फिर जब आप इसमें बाई पार्ट लगाओगे तो पहले का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, और दूसरे का आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको माइनस कॉट एक्स मिलेगा। और फिर पूरे का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो एन माइनस टू एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, और फिर आपका जो मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आता है। फिर आप जो है ब्रैकेट को खोल दोगे तो फिर आपको जो है कॉसेक की पावर एन एक्स डी एक्स मिलेगा। तो उसका अपन जो है आई एन लिख सकते हैं, और दूसरे वाले में आपको कॉसेक एन माइनस टू एक्स डी एक्स मिलेगा, तो उसको अपन आई एन माइनस टू लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आई एन को उधर ले जाओगे तो फिर आपको जो है आई एन की वैल्यू फाइनली ये वाली मिल जाएगी। ये भी आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये होता है, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बाई पार्ट लगाने पर जो है ये एक्सप्रेशन हमेशा मिल जाएगा। अब अपन एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको 0 टू पाई बाय 4 सेक की पावर 4 एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है तो आपको करना क्या होगा कि जो n की वैल्यू है वो 4 रखनी पड़ेगी। तो जब आप n की वैल्यू 4 रखोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा आई फोर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स अपॉन 3 प्लस 2 बाई 3 आई टू। अब क्या करेंगे अपन, जो आपका ये एक्सप्रेशन है इसकी लिमिट 0 टू पाई बाय 4 में सेट करके वैल्यूज रखेंगे, तो आपको 2 बाई 3 2 बाई 3 टेन एक्स ऐसे करके आपका आंसर जो है फाइनली 4 बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 कॉसेक क्यू थीटा डी थीटा। इसमें क्या है आपका n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो आपको इसी तरह से n की वैल्यू 3 रख के जो है इसमें इस एक्सप्रेशन को अचीव करना है। आप कैसे करोगे, जो आपका ऊपर वाला इक्वेशन था उसमें आप जो है ये वाला इक्वेशन आप n की वैल्यू 3 रख देंगे तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन जो है मिल जाएगी। और फिर आप जो है उसके बाद लिमिट रख देंगे, लिमिट रखेंगे तो फिर इसमें जो है पाई बाई 3 और पाई बाई 2 तक लिमिट रखेंगे, और इसमें भी जो है पाई बाई 3 टू पाई बाई 2 तक लिमिट रखेंगे। एक्चुअली में आपकी जो आई वन की वैल्यू है वो कॉसेक की पावर जो एन एक्स डी एक्स होता है उसमें एन की वैल्यू वन रखने पर आती है, यानी कि कॉसेक एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका। और फिर फाइनली आप जब इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/3 प्लस 1/4 लॉग 3। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पहले से अवेलेबल है जिसमें आपको ये सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा पे विजिट करिए, और ये सारे वीडियो जो है आपको हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एग्ज़ाम सभा को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए।